वर्ल्ड वाइड पीपल ने आपकी फिल्म देखी है, उन्हें पसंद काफ़ी आई है सर, पर हमें काफ़ी सवाल भेजे गए हैं वो लम्हे देखने के बाद, काफ़ी जिसमें से हमने 7 सवाल चुने हैं, जिससे जिनके वो जवाब चाहते हैं कि तो सबसे पहला सवाल उनका ये था कि जो शाइनी का जो किरदार था फिल्म में वो कितना सिमिलर था आपके किरदार से। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा है कि वो लम्हे इज एन एग्जैक्ट रीप्ले ऑफ माय लाइफ। मैंने कहा ये एक फिक्शन और फैक्ट है, एक जिंदगी के एक अनुभव पे। जो नियत थी, जो आम नौजवान की एक नियत होती है कि एक रिश्ता होता है जिसमें कोई कमिटमेंट नहीं होती है और कहीं पर उसमें बेईमानी होती है, कहीं पर सामने वाले का आदमी इसको उपयोग करता है, उसको इस्तेमाल करता है, अपनी तबाही से बचने के लिए आदमी इस्तेमाल करता है किसी को स्टडी बनाकर अपने प्रोफेशनल लाइफ को एनहांस करना चाहता है। तो मेरी ज़िंदगी में वो एक दौर था, एक जमाना था जब हमने इस सोच के साथ उस रिश्ते को कायम किया था। इसलिए जब मेरी राइडर शगुफ्ता रफीक ने मुझसे कहा कि क्या आप ये सच्चाई फिल्म में दर्शाना चाहेंगे, इसकी हिम्मत आपकी आप में होगी, तो मैंने कहा अगर इतनी हिम्मत ना होगी, नहीं हम में नहीं होगी तो किस में होगी, तो हमने वो किया था। तो सर ज़्यादातर लगा था कि जब लोग ये फिल्म देख रहे थे तो वो शाइनी में आपको ढूंढ रहे थे, कंगना में परवीन को, और शायद में शायद किसी और एक्टर को ढूंढ रहे हैं। तो सर वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कभी भी परवीन ने आपके ऊपर, जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया कि उन्होंने पैंटी फेंकी थी, तो क्या रियल लाइफ में भी आप ऐसे कुछ दौर हुए नहीं थे? ऐसा नहीं हुआ था। ये परवीन एक बहुत ही लिबरेटेड किस्म की महिला थी, और जब हम जाते थे फंक्शंस पे, नहीं अपने प्राइवेट पार्टीज पर, तो अक्सर वो शौक वैल्यू के लिए अपनी जो ब्रा है वो निकाल कर सबके आंखों के सामने, खास करके जहाँ कॉन्जर्वेटिव लोग हैं, ऐसे कहती थी कि जस्ट पुट इट इन माय बैग। तो ये उसका एक मजाक करने का तरीका होता था जिससे लोग काफ़ी शॉक होते थे, कहते थे कि बड़ी बदतमीज़ किस्म की औरत है। और ये हमने उसको एक ड्रामेटाइज किया है, और ये ऐसा हादसा हमारी ज़िंदगी के भी नहीं हुआ था। हाँ, मगर एक जेल्डा फिट्ज़रल्ड, स्कॉट फिट्ज़रल्ड की एक बायोग्राफी है जो बहुत मशहूर एक लेखक है, उनकी बीवी जो मेंटली डिस्टर्ब थी वो ऐसा करती थी, पार्टीज में जाती थी और वो हॉलीवुड की पार्टी में अपनी पैंटी निकाल कर अपने पति के को दे दी थी। तो ये कुछ सिमिलर एक एट्रीब्यूट्स थे। सर जो नाइफिंग वाली सीन थी, तो वो लोग जानना चाहते थे कि उन्होंने आपके साथ, क्योंकि बिल्कुल वो स्किज़ोफ्रेनिया की। नहीं, परवीन ने कभी मुझे नाइफ नहीं किया, मगर हाँ वायलेंट हो गई थी जब वो एक स्किज़ोफ्रेनिया के बाउट से गुजर रही थी, और जब हम उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश में उनको हम एक फंक्शन से जोड़ना चाहते थे जहाँ हम दोनों अकेले थे, तो वो उसने उस पूरे एक इनोसेंट लविंग हादसे को शक की नज़र से देखा, और केक वेक उन्होंने फेंक दिया और वायलेंट हो गई थी, और चाकू नहीं मारा था मगर एक बोतल थी जो उसने कहीं पर मुझे यहाँ पर उससे उस पर वार किया था, मगर फिर वो बड़ी शर्मिंदा भी हुई थी क्योंकि उसके स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो यही करवाता है, वो कभी इस पोल पे पेशेंट रहता है प्यार के और फिर अचानक दूसरे पोल तक पहुँच जाता है। क्योंकि देखिए हमारी फिल्म एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कनेक्टेड थी नहीं, हमने अर्थ फिल्म बना ली है जो एक क्लासिक हो गई है, और हमको लगा कि अब इस रिश्ते पे अगर किसी परिवार का साया होगा तो ये रिश्ता जिस तरह हम एक लिबरेटेड रिश्ता दिखाना चाहते हैं हम दिखा नहीं पाएंगे। और ये कॉन्शियस चॉइस थी कि हम केवल उस फेज को क्रॉनिकल करें जो पोस्ट उसका ब्रेकडाउन फेज था, जो लोग जानते नहीं थे इसके बारे में, क्योंकि अर्थ में हमने
बीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म देखी है, हमने कभी उस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म देखी ही नहीं। तो एक कॉन्शियस चॉइस थी, और कहीं पर हमारा इरादा एज आई सेड कि हमारी ज़िंदगी को जैसे हमने जी थी उसको एग्जैक्टली पोर्ट्रेट करने का था ही नहीं। सर फिल्म में रेप सीन भी है जो काफ़ी ही भयानक है, एंड कोई भी डर जाए उसे देखकर, तो क्या ऐसा हादसा भी उनके ज़िंदगी में हुआ है या? देखिए लोगों के जहन में जब आप झांक के देखते हैं तो उनके अतीत में ऐसे खौफनाक हादसे होते हैं जिसका वो जिक्र जब आपके वो करीब हो जाते हैं करते हैं। अब ये हादसा कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि लोग जिंदा हैं। मगर हाँ, परवीन ने मुझसे कहा था कि जब वो अपने कुछ रिश्तों से जुड़ी थी तब उनके साथ में बदसलूकी की गई थी, और उनमें से एक जो विविडली मुझे याद है वो एक शख्स थे जो वो सेक्सुअली ह्यूमिलिएट करते थे, तो हमने वो उसको सेलेक्टिवली पोर्ट्रेट किया। तो सर लोग काफ़ी क्यूरियस हैं जानने के लिए कि वो शख्स कौन है, और ये तो देखिए हमारा इरादा जो हमने जब टेप्स सेलेक्टिवली प्रिंट मीडिया को रिलीज़ की थी तो हमारा इरादा केवल ये था कि हम ये दिखाएं कि जिसको आप एक ग्लैमर की आइकन मानते थे उसकी ज़िंदगी में क्या खौफ किस बादल कैसे थे, वो दिखाने का हमारा, उसको पोर्ट्रे करने का हमारा इरादा था। हमारा इरादा किसी को नीचा का दिखाना या किसी को एक्सपोज करने का था ही नहीं। जो टेप्स मेरे पास हैं, जो मेरी जागीर है, उसमें जो सत्य है वो अगर आप सुने तो आपको ये इंडस्ट्री जैसी नज़र आती है वैसी नज़र आना ही बंद हो जाएगी। तो सर अगर आप हमें बता सकें फिल्म में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स नहीं थे सर, इंसिडेंट्स हैं जो रियल है, तो अगर दो तीन अगर आप हमें देखिए वो उसका ब्रेकडाउन होना एग्जैक्टली ऐसे नहीं था। प्रकाश मेहरा जी की सेट पर शूटिंग करी थी जब उसका ब्रेकडाउन हुआ था। हाँ, लाइट नहीं, शैंडलियर, उसको लगा कि शैंडलियर उस पर फेंका जा रहा है और वो भाग के आ गई थी घर पर, और उसकी हालत बहुत बुरी थी, बिल्कुल वैसी थी जब चाकू लेकर खड़ी थी, बैठी थी कोने में जब मैं गया था उसके पास, बड़ी मुश्किल से संभाला था। वो एक माइक्रोफोन का सीन है जब वो इमेजिन करती है कि उसके कमरे में जब तकिए फाड़ रही है ताकि रूम हज भी बंद, वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी इमोशनल रेजोनेंस सही है। एक दो राह पे हमारा रिश्ता आया था जब हमने ये सोचा था कि अब मेंटल बीमारी ऐसी है अब कहाँ तक हम साथ देंगे, हमारी कमिटमेंट तो थी नहीं, ऐसे रिश्ता था जिससे रिश्ता होता है। और लोगों ने कहा कि भाई सारी ज़िंदगी की बीमारी है, तुमने अभी अभी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया तो छोड़ो भी। तो हमने भी एक पल के लिए सोचा कि चलो जो हो गया हो गया, मगर फिर हमको हमसे रहा नहीं गया, फिर हमने जाकर अपने आप को पूरी तरह शामिल कर दिया उसकी बीमारी का इलाज करने में। कुछ इमोशनल मोमेंट्स हैं जो बेडरूम के सीन्स हैं जहाँ पर वो अक्सर कहती थी रुक जाओ मत जाओ, और हम वो कहते थे कहने को कि रिश्ते सदा के लिए रहते नहीं हैं, जब मेरा बीवी के साथ रिश्ता नहीं रहा तो तुम्हारे साथ कैसा रहेगा, मगर वो मेरी फिलॉसफी से प्रभावित नहीं होती थी। तो कुछ सत्य उसके उस मोमेंट के भी हैं। बीमारी के दौरान जो हमने उनकी देख रेख की थी, हाल ही में मुझे अपने एक मित्र ने बेंगलोर से फ़ोन किया, उन्हें अपने SMS भिजवाया अपनी नौजवान बेटी के हाथों से कि उन्होंने बोला में देखी है, तो उन्होंने कहा कि माई डैडी सेज के यू रियली टुक केयर ऑफ हर इन द वे इट हैज बीन शोन इन द पिक्चर। तो ये किसी और की नज़र से अपनी असलियत को देखना मुझे अजीब सा लगा, अच्छा भी लगा। पर ऐसे बहुत सारे नुआंसेस हैं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं, और फिर वो डरावना दिन जब वो अचानक गायब हो गई थी न्यूयॉर्क से, हमारे मित्र यूजी कृष्णमूर्ति के यहाँ से अचानक गायब हो गई थी।
तो हम कुछ गायब भी हो गए 5 साल गायब हो गए। और बहुत सारी सटल डिटेल्स हैं जो हमारी जिंदगी से उसका तालमेल है। मैंने कहा कि एक वर्क ऑफ फिक्शन जो होता है उसको एक जर्नलिस्टिक वर्क नहीं समझना चाहिए, कि जो जर्नलिज्म में एग्जैक्टनेस की आवश्यकता होती है। हालांकि आज के दौर में जर्नलिज्म में भी एग्जैक्टनेस नहीं है। फिक्शन जो होता है उसमें एक इमोशनल गूंज होती है और वो उसको अगर कैप्चर करने में कामयाब होता है तो पिक्चर सही होती है। तो फिल्म में दिखाया गया है कि जिस तरीके से शाइनी उनसे बात करते थे इनिशियली फिल्म में, कि वो बहुत हम बड़े बदतमीज किस्म के शख्स थे और उससे वो बहुत ही चिढ़ती थी, मगर वो आकर्षित भी होती थी हमसे, हमारी तरफ ड्रॉ भी होती थी उस वजह से, क्योंकि लोग अक्सर उनके आस पास हाजी हाजी करते रहते थे। तो हम बड़े बहुत ही बदमाश किस्म के शख्स थे और ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते थे उनकी उनकी स्टार पावर से, और हम उनको खूबसूरत तो मानते ही नहीं थे। हम कहते थे ये सारा आपका जो है ओढ़ा हुआ पूरा एक रूप है जो वो मैगजीन से आपने तो हासिल किया है, ये वस्त्र जो पहने आपने ये इम्पोर्टेड है एक कॉन्सेप्ट वाइज, और आपका अपना जो वजूद है कहीं पर इस के पीछे छुपा हुआ है। तो रिश्ता तो करना चाहिए तो उसके साथ करना, चेहरों के मास्क के साथ कैसा रिश्ता हो सकता है। तो ये बातें हमारे ये अंदाज बयां हम दोनों का ये होता था। तो उसके कुछ पोर्शंस आप नजर आते हैं। तो फिल्म में तो दिखाया गया है शाइनी और कंगना एक फिल्म करने के ये से मिले थे, पर आपकी और परवीन की पहली मुलाकात कैसे हुई थी? हमारी मुलाकात तो जुहू में हम लोग एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे। मुझे याद है कि पहले मरतबा जब मैंने उसको देखा था तो वो बी आर इशारा की शूटिंग में वो शॉट देकर कुछ क्रॉस कर रही थी, मुझे उसकी फुटस्टेप्स के हील्स के साउंड जो है आज तक सुनाई देते हैं। मुझे याद है सिगरेट पी ली थी, मुझे अजीब लगा था कि हमारी नानी पीती थी सिगरेट, कि हमारी नानी के बाद में गाँव की थी, हमारी नानी के बाद में एक लिबरेटेड महिला जो हमको नजर आई परवीन लाबी नजर आई पहले मरतबा तब नजर आई थी। उसके बाद में हम ऐसे किसी महफिल में मिले थे और जब उनका रिश्ता इनके साथ हुआ था हमारे मित्र कभी वेदिक था तब हमारा उठना बैठना क्या था, मगर हाँ हमने एक पिक्चर की थी जो बंद हो गई थी उसका नाम है अब मेरी बारी, जो हमारी कंपनी की पहली फिल्म थी। कंपनी ने हमें भाई साहब की करी थी, तब तो विशेष फिल्म फॉर्म नहीं हुआ था और पिक्चर बंद हो गई क्योंकि परवीन बीमार हो गई। तो उसके कुछ मोमेंट्स हैं ऑफ इंटिमेसी। तो क्या उनकी माँ ने आपके साथ उसी तरह का बर्ताव किया था? नहीं, उनकी देखिए उनकी माँ इतनी एग्रेसिव नहीं थी जिस तरह हमने पोर्ट्रे किया था, मगर वो जब दोराहे पे हम लोग आ गए थे कि क्या करें, इसका इलाज करना जल्दी है क्योंकि सेट लगे थे लोगों का पैसा लगा था। तो मुझे याद है कि वो साइकेट्रिस्ट ने फिर अपना डॉक्टर्स ने ये प्रोड्यूसर्स को सजेस्ट किया कि शायद इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा इलाज जल्दी हो सकता है, कम से कम उसको इस लायक बनाया जा सकता है कि वो आके फिल्में कंप्लीट करें। तब माँ जो है वो कुछ मान गई थी क्योंकि वो लगता था कि स्टार्डम जाएगी अभी, और क्या होता है कि लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं इकोनॉमिकली एक लाइफ स्टाइल, और ऐसा नहीं था कि माँ दुश्मन थी मगर माँ की समझ नहीं थी। तो मैंने फिर विरोध किया था, मैंने लड़ाई की थी, झगड़ा किया था, कहा था तू है कौन, तू कौन होता है बोलने वाला, और वाकई मेरी औकात हुई नहीं थी, ना कामयाब आदमी था, ना रिश्ता था, शादीशुदा था। तो ज़माने की नज़र में, समाज की नज़र में तो मेरी औकात दो पड़ी थी, मगर दिल से रिश्ता था। तो मैंने कहा कि ये इलाज परवीन का नहीं हो रहा है, आप अपना इलाज कर रही हैं क्योंकि आप इस बोझ से बचना चाहती हैं और आप प्रोड्यूसर्स को खुश करने के लिए इलाज कर रही हैं। तो फिर मैं भगा के ले गया था, किसी को मैंने बताया नहीं।
तो सर जब आपने वो लम्हे देखी तो किस तरह का फील हुआ आपको जब? मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, मुझे एक मुद्दत के बाद में, जख्म के बाद में मुझे कोई अपना काम ऐसा नजर आया, खास करके एक नौजवान डायरेक्टर ने बनाया। जख्म तो हमने डायरेक्ट की थी, लिखी भी थी, ये हमने लिखी थी शगुफ्ता के साथ में, मगर एक नौजवान 24 साल के डायरेक्टर ने फिल्म बनाई थी। तो हमने जब उसका रफ कट देखा था तो कुछ ऐसा एक सीन था, मुझे हमको याद है कि अब वो जो बग का सीन है जहाँ पर वो इमेजिन करती है कि माइक्रोफोन, तो उस सीन को देखते देखते मैं अचानक मैं रो लिया। और मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मेरे अंदर कुछ ऐसे घाव हैं जिंदा जो अभी हरे, मगर एक संपूर्णता का एहसास हुआ, कहीं लगा कि अब उस उनकी यादों को हमने विदा कर दिया, कि हम मुक्त हो गए हैं यादों से, क्योंकि बहुत योगदान था उस महिला का भी जिंदगी में, उसकी बर्बादी ने ही मुझे शार बनाया, हम आबाद हुए जब वो बर्बाद हुई। अर्थ नहीं होती तो हम कहाँ, वो तकलीफ, वो पीड़ा, वो जलन, वो खौफ, वो जिल्लत, वो तो मेरी जागीर, उस मौसम से नहीं गुजरे होते तो कहाँ हम आज यहाँ इस काबिल होते कि आपके सामने हम बात भी कर पाते। सर इतने सालों के बाद, उनकी मौत के बाद, आपने अचानक उनकी इस लाइफ को दिखाना चाहा लोगों को, मतलब उसके पीछे कारण क्या था आपका कुछ? देखिए वो मोहित सूरी ने मुझसे कहा कि आप, मैं आपके इस किरदार के बारे में कोई फिल्म बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी कहा सुना था कि मैंने एक एक्ट्रेस का इस्तेमाल करके उसको, मैंने जब वो पागल हुई वाले छोड़ दिया, मगर जब उनका इंतकाल हुआ तो मोहित ने मुझे देखा कि मैंने जाके कहा था कि अगर उनका कोई रिश्तेदार नहीं तो मैं उसकी अंतिम संस्कार मैं खुद करूँगा, और फिर मैंने अपना जो कर्तव्य था निभाया। और मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कहता हूँ कि मैं, अगर वो होती नहीं तो मैं कहाँ होता। तो मोहित ने कहा कि जो लेख उसने पढ़ा मेरे, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि ये जो शख्स जिसके बारे में मुझे गलतफहमी है और जो दूसरा शख्स मुझे नज़र आया है उसके बीच में जो एक गैप है उसको ब्रिज करना चाहता हूँ फिल्म के द्वारा, तो आप मेरे लिए उस फेस के बारे में फिल्म देखें। तो मैं रिलक्टेंट था, मगर फिर फाइनली उसने मुझे मजबूर किया, मैंने देखा। और कहीं पर जब आदमी विदा होता है आपसे हमेशा के लिए, तो उसकी यादें आप पर उसका गहरा उसका असर होता है, उन यादों को पूरी तरह जिंदा कर देना, उसमें बिल्कुल डूब जाना, उसके बाद में वो यादों की जो तकलीफ होती है उससे आदमी बचता है। मैंने अपनी माँ के साथ भी किया था बना के, और वो लम्हे के साथ। सर अपनी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? अब वो लम्हे रिलीज हो गई है, उनके सवालों का जवाब भी आपने दे दिया है। बड़े अरसे के बाद एक ऐसी फिल्म बनी है जिससे मुझे बहुत सुकून मिला है, इसमें मेरी जिंदगी के कुछ क्षण हैं जो मैंने जिए हैं। ये फिल्म मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि ये फिल्म जो है मेरे जिस्म, मेरे रूह, मेरे दिल का एक हिस्सा थी। हमने कामयाब फिल्में बनाई हैं, राज बनाई है, मर्डर बनाई है, जिस्म बनाई है, गैंगस्टर बनाई है, मगर एक क्विंटेसेंशियल महेश भट्ट है जो अर्थ, सारांश, जन्म, सख के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है, वो मरा नहीं था, दौर बदल गया है। वो लम्हे बॉक्स ऑफिस पर उसने आग तो नहीं लगाई, मगर कुछ हमको दे गई है, म्यूजिक उसका हिट है, मगर उसने हमको एक रिन्यूड स्टेटस दी कि ये केवल सेक्स बेस्ड फिल्म नहीं बनाते, अब भी अर्थ वाला महेश भट्ट जिंदा है। तो जो लोगों को, जिन लोगों को मुझसे वो शिकायत थी वो कहाँ चला गया, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जाइए बोला मैं देखिए। सर अर्थ में भी क्या स्मिता पाटिल का कैरेक्टर कहीं ना कहीं परवीन बाबी से? बिल्कुल, अर्थ का कैरेक्टर परवीन बाबी पे ही आधारित था, बिल्कुल। तो सर उन्होंने क्या ये फिल्म देखी थी आपके साथ या फिर? देखिए
1980 में हम अलग हुए और 84 में फिल्म लगी थी, पर भी सारी दुनिया को शिकायत थी और लोग अपने फैक्ट्स भूल जाते कि ब्रेकडाउन परवीन का 1980 में हुआ था और ये जो टेप्स थी उससे सिद्ध था कि 1978 में जब लोग समझते थे बिल्कुल नॉर्मल है, तब भी उसकी जहनी हालत ठीक नहीं थी। कुछ सेल्फ प्रोक्लेम जर्नलिस्ट ने यह कहा था कि ये अर्थ की वजह से ये पागल हो गई है, जो बिल्कुल झूठ था। परवीन को कोई शिकायत नहीं थी मेरी फिल्म से, वो तो पसंद करती थी मेरी मेरा अंदाज जीने में। अगर किसी औरत को मेरे अंदाज जीने का अंदाज पसंद था, उसको पसंद था, वही तो वजह थी जिसकी वजह से वो मेरी तरफ खींची चली आई थी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जात जलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।